डियर फ्रेंड्स, मोनिका हेयर। इन मोनिकाज किचन आई हैव ब्रॉट समथिंग वेरी स्पेशल फॉर द किड्स टुडे, एंड दैट इज चीजी वेज फ्रेंकी। चीजी वेज फ्रेंकी इज वेरी फेवरेट विद द किड्स, सो आज वही बनाने जा रही हूँ, आप भी बनाइए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप्स मैदा और उसमें 1 स्पून मैंने नमक का डाला है, और मोइन के लिए इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 3 स्पून के करीब। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, पहले बिना पानी के ही इनको मिक्स करें। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे हम। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सॉफ्ट कर लें, और ऑयल का हाथ लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। तब तक एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, और इसमें अब हम डालेंगे पनीर के कुछ कटे हुए टुकड़े। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई कैबेज, हिला लेंगे इनको। इस स्टेज पे आपने फ्लेम मीडियम ही रखना है, क्योंकि हमने इस सब्जी को पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही सोते करना है, सो दैट इसमें क्रंच भी रहे और हल्की सी पक जाए। 1 ग्रेट की हुई गाजर डाली है मैंने इसमें, और 1 ही बारीक कटी शिमला मिर्च। इस सारी सब्जी को कुछ देर के लिए सोते करें। प्याज डाला है बारीक काट के लंबा लंबा, बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसको बनाएं, और जब ये थोड़ी सी कुक हो जाए तो इसमें 1 स्पून ये नमक का डाला है मैंने, और 1/2 स्पून इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल रही हूँ। मिला लें अच्छे से। और बस इस स्टेज पे आके फ्लेम को बंद कर दें। ये सब्जी रेडी है। इतना ही हमने कुक करना है कि इसका क्रंच कायम रहे। तो अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे। जितना ये मैंने मैदे का डो बनाया है इसमें से 8 लोइयां बनेंगी। और मैदा लगा के इनको अच्छे से बिल्कुल ही थिन बेलना है। ये अकेला मैदा है तो इसको बेलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 आटा भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि 1 कप आटा और 1 कप मैदे का। काफी पतला इसको बेल के, और फिर इसको हम पैन पे डालेंगे। यहाँ पे भी आपने मीडियम ही फ्लेम रखना है। पलट दें इसको थोड़ी देर के बाद। आप चाहें तो इस तरह से पहले आप ये सारे बना के रख सकते हैं, और बाद में इसमें सब्जी फिल करके फ्रेंकीज बना सकते हैं, और चाहें तो आप साथ साथ ही बना सकते हैं।
ये देखिए इसको पलट के, थोड़ा सा घी लगाते हुए इसको सेक लें। ये रेसिपी आपको अगर पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इस तरह से इसको टर्न करते हुए दोनों तरफ से पका लें। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको दोनों तरफ से पका लें। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इस स्टेज पे आप इसको उतार लें पैन पे से। और हल्का सा इसको ठंडा होने दें। उसके बाद मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। इसके ऊपर आप शेजवान सॉस भी लगा सकते हैं, ये मेरी घर की बनाई हुई है। अच्छे से आप इसको स्प्रेड करें। और सब्जी जो हमने पका के रखी हैं उनको इस तरह से बीच में लगाते हुए, फिलिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने ज़्यादा फिलिंग करनी है या कम करनी है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप फिलिंग करें। और थोड़ी सी मेयोनीज आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और उसके बाद इसको रोल कर दें। वैसे तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये रोल खुलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो एक टूथपिक की सहायता से इसको इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये चीज़ी वेज फ्रैंकीज़ बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय फ्रेंड्स।